हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था। और इसमें मैंने आपको तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसमें मैंने आपको तीन तरीके बताए थे कि आप इन क्वेश्चन को एक बेसिक से कर सकते हैं। साथ के साथ आपको एक एग्जाम अप्रोच बताई थी, जिसे हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। और तीसरा तरीका यानी ट्रिक बोलते हैं। ये ट्रिक कहाँ से आती है, वो ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिक कैसे बनती है। आज की क्लास में हम इससे आगे के टाइप पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो मैंने लास्ट क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया था, उसी तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और इन क्वेश्चंस का लेवल धीरे 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 बढ़ता रहेगा। जैसे हम आगे क्लास लेते रहेंगे, इनका लेवल भी बढ़ता रहेगा और बिल्कुल टाइप वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में कौन से टाइप हमने पढ़े थे और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पहला टाइप ये बताया था कि ए व्यक्ति है, वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, और बी है, वो इसी काम को अगर वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो आपको बताना था कि ए प्लस बी है, वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमने बेसिक तरीका, साथ में एग्जाम अप्रोच यानी एलसीएम मेथड, और तीसरा ट्रिक भी हमने बताई थी। ठीक है, दूसरा कि अगर तीन व्यक्ति हो तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये एक्स डेज में कंप्लीट करता है, बी है ये वाई डेज में कंप्लीट करता है, और सी है वो इस काम को जेड डेज में कंप्लीट करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। और तीसरा टाइप था, ये था कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, बी प्लस सी है वो इस काम को वाई डेज में कंप्लीट करते हैं, और सी प्लस ए है वो इस काम को जेड डेज में कंप्लीट करते हैं, तो आपको बताना था कि ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। और यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये हमने तीन टाइप थे, वो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये टाइप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लास्ट की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ सके। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चन को देखिए, इनका टाइप क्या चेंज हो सकता है। कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ए है वो एक्स डेज में कंप्लीट करता है, बी है वो वाई डेज में कंप्लीट करता है, और आपसे पूछा था कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आज हम उल्टा पढ़ेंगे इसी चीज का, कि अगर आपको दे दिया जाए कि ए प्लस बी है वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, अगर ए प्लस बी है वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, और ए है वो इसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है, तो आपको बताना है कि बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का टाइप होगा ये वाला, इसी का उल्टा हम पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो देखिए, आज का जो टाइप है, तीन टाइप हमने पढ़ लिए थे, चौथा टाइप है कि ए है वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, और ए प्लस बी है वो इसी काम को अगर वाई डेज में कंप्लीट करता है। उल्टा बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ये टाइप है हमारा आज का। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक तरीका लगाएंगे ताकि इसका फॉर्मूला निकाल सके अपन। तो देखिए बेसिक तरीका क्या होगा कि अगर ए है वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे, एक यूनिट मान लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क क्या है, एक यूनिट है। तो बताइए कि ए है वो इस काम को कितने एक दिन में कितना काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। अगर एक यूनिट काम को ए है वो एक्स डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/x। क्लियर है। इसी तरीके से ए प्लस बी है वो एक यूनिट काम को अगर वाई डेज में कंप्लीट करता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। क्लियर है। तो ये एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1/y है, ए की एफिशिएंसी 1/x। तो मुझे बताइए बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी निकालनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1/y है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, और ए अकेला एक दिन में इतना काम करता है। तो अगर इसमें से एक जो अक्स ए व्यक्ति है इसका जो काम है एक दिन का वो घटा दे, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहां से देखिए बी की एफिशिएंसी क्या आ गई आपके पास, सोल्व कर लीजिए, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वन। तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये एक दिन का काम है।
वी है वो एक दिन में इतना काम करेगा, तो बताइए कि एक यूनिट काम कितने दिन लग जाएंगे इसको करने में। तो एक यूनिट का काम करने में इसका उल्टा बोल दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिक्स, तो इतना टाइम लग जाएगा। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर आपके पास दे दिया जाए कि ए है वो एक्स डेज में कंप्लीट करता है और ए प्लस बी है वो वाई डेज में कंप्लीट करता है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो उस काम को एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई डेज, इस काम को करने में इतना समय लगेगा उसको, तो ये फॉर्मूला है। तो आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए प्लस बी है वो 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है, ए प्लस बी है वो किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ए अकेला इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और आपसे पूछा क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका क्या हो गया जो हमने बेसिक से किया था, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या आ गया एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, यानी क्या करना है एक्स ये है वाई ये है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 × 20 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, तो देखिए यहां से जो ज्यादा है उसी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स है, तो आपको क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 20 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा यहां से 15 × 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 काट दीजिए 3 बार, तो कितना लग गया यहाँ से 60 दिन। तो इस काम को करने में बी को कितना समय लगेगा 60 दिन लगेंगे, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया था, एग्जाम अप्रोच या एलसीएम मेथड, तो यहां से आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेंगे यानी टोटल मान लेंगे जो टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क मानने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 15 और 20, तो बताइए 20 और 15 का एलसीएम लेना है तो बड़ी संख्या कौन सी है 20 है, तो 20 का मल्टीपल देख ही लीजिए जो 15 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो 20 दिया 60, यानी 60 क्या है जो 15 से भी डिवाइड है, तो इसका एलसीएम हो, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। तो यहां से देखिए इनका टोटल वर्क कितना हो गया 60, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 60 है, जैसे मान लीजिए ये 60 मटके हैं और आपको इनको फोड़ना है, तो ए प्लस बी है वो इन 60 मटकों को 15 दिन में फोड़ सकता है, तो बताइए वो एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है ए और बी दोनों मिलकर, तो एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा वो 4 मटके, क्लियर है। तो 60 में क्या करेंगे 15 का डिवाइड कर देंगे, इसी तरीके से ए की एफिशिएंसी क्या जाएगी, देखिए 60 मटके फोड़ना है 20 दिन में फोड़ रहा है, तो एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा 3 मटके फोड़ेगा, क्लियर है। तो अब हम बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 3, दोनों मिलकर 4 मटके फोड़ रहे हैं, तो ए अकेला 3 मटके फोड़ रहा है, तो बताइए बी की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास 1, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो इसको टाइम कितना लगेगा, देखिए टोटल मटके कितनी है 60 है, एक दिन में एक मटका फोड़ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 60/1 यानी 60 डेज। तो ये दूसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, या आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं। अब जो ट्रिक वाले बंदे हैं वो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे दे दिया है वो क्या करेंगे, ए प्लस बी है ये 15 दिन में और ए है ये 20 दिन में। अब यहाँ पे ट्रिक बनती है कैसे करते हैं, देखिए ट्रिक में क्या कर देते हैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे बोल देंगे 15 × 20 और इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो ये 5 और सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 60 डेज, तो ये ट्रिक बन गई इस तरीके से। तो यहीं से इस फॉर्मूले को ही क्या बना दिया इन्होंने, ट्रिक बना दिया, क्लियर है। तो ये ट्रिक बोल देते हैं इनको, बाकी ट्रिक वगैरह कुछ ही नहीं होती, जो फॉर्मूला है क्या बेसिक है, बेसिक से ही ट्रिक बनती है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे हमने पिछले जो पिछला टाइप था इसमें हमने क्या पढ़ा कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी अगर 15 दिन में काम कंप्लीट करता है और ए इस काम को इतने दिन में कर सकता है, तो बी का हमने निकाला। अब उल्टा भी हो सकता है कि बी का दे दे और ए का पूछ ले, तो ये देखते हैं कि अगर बी का दे दे और ए का पूछे तब हम क्या करेंगे, वही तरीका लगाएंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, तो देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए 12 और 20 का, तो 20 का मल्टीपल देखना है, तो वही क्या आएगा यहाँ से 60। तो देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, यानी एक दिन में कितने मटके फोड़ेंगे 5, और बी है वो एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा 3, इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो मुझे बताइए कि एक की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल 5 मटके फोड़ रहे हैं, बी है वो एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो ए एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा, फिर वो 2 मटके,
ठीक है, पांच में से तीन घटा दीजिए, इस तरीके से देख लीजिए। तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, दो। तो मुझे बताइए इसको काम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितने हैं मटके, 60, और ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है, दो मटके, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 30 दिन। ये हो गया। दूसरा तरीका, फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, एक्स वाई 12 × 20 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस 8, ठीक है। यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 × 8, 4 × 12, 2 से काटेंगे 10, तो कितना आ गया, 30 दिन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं। अगर आपको इस तरीके से याद रहता है तो इस तरीके से कर लीजिए, बाकी ये तो यूनिक तरीका है, आप किसी भी क्वेश्चन में ये तरीका लगा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए लास्ट क्लास में हमने जो टाइप पढ़ा था उसमें क्या था कि ए का गिवन था, बी का गिवन था और सी का गिवन था, और आपसे पूछा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आज उल्टा पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको दे रखा है ए प्लस बी 6 दिन में कंप्लीट करता है, बी है 15 दिन में कंप्लीट करता है, और ए है 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताइए कि सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से पूछा गया है। तो क्या करेंगे अपन, एलसीएम मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क मानेंगे, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 6, इन तीनों का एलसीएम मानेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15, तो 15 का मल्टीपल देख लीजिए जो 12 और 6 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक की, ये 12 दिन में कंप्लीट करता है इन 60 काम को, ठीक है। कितने भी जो भी आपके पास 60 मटके हैं इनको 12 दिन में फोड़ देता है, तो एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा वो, 12 × 5 = 60, 12 से डिवाइड कर दीजिए। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 से डिवाइड करेंगे, 4। ए प्लस बी प्लस सी ये 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा वो, 10 मिनट का। क्लियर? अब आपको सी की बताना है, तो सी का आपको एफिशिएंसी निकालना है कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 5, ये एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है, बी एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, टोटल ये 10 मटके फोड़ रहे हैं, तो बताइए सी कितने कितने मटके फोड़ेगा एक दिन में, तो 5 और 4 9, बचा कितना, 1, तो ये 1 मटका फोड़ेगा एक दिन में। तो अगर एक दिन में 1 मटका फोड़ेगा तो 60 मटकों को फोड़ने में इसे कितना टाइम लगेगा, 60 दिन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से करते हैं तो वो लंबा जाएगा, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप जितना भी हो सके आप बेसिक तरीका मत लगाना इस टाइम एंड वर्क टॉपिक में, आप ये एलसीएम मेथड या अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो तरीका लगा सकते हैं, बाकी आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इस यूनिक मेथड से हो जाएंगे, एलसीएम मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप पे देखिए, इसी क्वेश्चन में देखिए अगर बी का पूछ ले ए और सी का दे दे, तो तब क्या करेंगे, वही तरीका, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क क्या मानेंगे, 20, 15 और 6, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, वही 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 × 60, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी आ गई 10। अब मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो मुझे बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं, 10 मटके फोड़ रहे हैं, तो 4 और 3 = 7, यहाँ से बचा कितना, 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, तो बी की एफिशिएंसी यानी एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल कितने हैं, टोटल वर्क है 60, और एक दिन का काम कितना कर रहा है वो, एक दिन में 3 मिनट का काम कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 20 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एलसीएम मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं इस तरीके से पढ़ाता रहूं। नेक्स्ट टाइप देखिए, इस तरीके से देखिए, अब इसमें क्या हो गया, अगर आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि ए दे दिया, ए प्लस सी दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया और बी पूछा है, तो आप यहाँ पे कोई भी दे सकता हो, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आज का हमारा जो टाइप है वो यही है कि अगर आपको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी में कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, तो हम किस तरीके से कोई भी चीज पूछ ले हमसे, तो किस तरीके से अपन निकालें। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम टोटल वर्क मानेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो टोटल वर्क मान लीजिए,
टोटल वर्क मानेंगे 12, 10 और 6, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इनका एलसीएम मान लीजिए 12, 10 और 6, क्लियर। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सॉरी यहां पे 6, तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल वर्क है 60, ये 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 10 यूनिट का काम करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ए प्लस सी की एफिशिएंसी, देखिए हमें बी का निकालना है, ठीक है बी का निकालना है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन काम हमारा एफिशिएंसी निकालना है, तभी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से बी का हम बता सकते हैं कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे बड़ा मेन जो मेन काम है वो हमारा क्या है, एफिशिएंसी निकालना। तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ए प्लस सी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 है, टोटल कितने मटके फोड़ रहे हैं वो 10 मटके, तो बताइए बी कितने मटके फोड़ेगा, बाकी के यही तो फोड़ेगा, तो इन्होंने तो 6 मटके फोड़ दिए, तो बाकी के मटके कौन फोड़ेगा, बी मटके फोड़ेगा, यानी कितने मटके फोड़े पाओ 4, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। तो अगर बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बताइए बी को टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है 60 है, एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 4 यूनिट का, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको 15 मिनट, क्लियर है, ये हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, अगर सी का पूछ ले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5, ए और सी दोनों मिलकर 6 यूनिट का काम कर रहे हैं, ए कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट का, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो सी को कितना टाइम लगेगा 60/1, यानी कितना टाइम लगेगा 60। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो B प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी, यानी A का ये तो कितना काम कर रहा है 5 यूनिट का, तो टोटल A प्लस B प्लस सी है वो 10 यूनिट का काम कर रहे हैं, और A है वो 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो B प्लस सी कितना यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई, तो टोटल वर्क तो कितना है 60 है, और B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इसको टाइम कितना लगेगा 12 मिनट। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, इसमें ए प्लस बी का पूछो, बी प्लस सी का पूछो, या कुछ भी पूछ लिया जाए, आप इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालना है, और टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए, तो आपके पास टाइम आ जाएगा कितने दिन में ये कंप्लीट कर सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है सवाल, ए प्लस बी है एक साथ मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, और बी और सी है वो 10 दिनों में, तीनों एक साथ मिलकर 9 दिनों में काम कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, क्लियर। तो देखिए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 36 दिनों में, बी और सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में, और तीनों साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस तीनों साथ मिलकर इस काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं 9 दिन में, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी की एफिशिएंसी निकालनी, सबसे बड़ा जो आपका मेन काम है वो एफिशिएंसी निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क मान लीजिए, तो टोटल वर्क हम क्या मानते हैं इनका एलसीएम, ठीक है। तो जो हमारा मेन जो मेथड रहेगा वो यही रहेगा, हम लगाएंगे एलसीएम मेथड, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यही तरीका लगाना है, अगर आपने बेसिक लगाया तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और साथ में आपको टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि आप एलसीएम मेथड लगाओ। देखिए इनका एलसीएम निकालना है, मैंने आपको बता दिया इनका एलसीएम निकालने का सीधा तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए क्या है 36, ये 36 है। अब बाकी की संख्या से क्या होना चाहिए, इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 36 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, बाकी की संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 36 10 से तो डिवाइड ही नहीं, लेकिन हम 10 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, कि देखिए यहाँ पे अगर हम 5 से गुना कर दें, यहाँ पे 2 तो है और यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो ये 10 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है 5 और 2 10 से कट जाएगा, 9 से वैसे कट रहा है, तो इसका कितना आ गया 180, ठीक है।
36 इंटू 5 आप फैक्टर में भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्या किया मैंने, देखिए टोटल सबसे पहले मैक्सिमम संख्या देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 36 है तो 36 तो लिख दिया। फिर अगर इसे 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है तो और क्या लेना है हमें, यहाँ पे 2 तो है और तो हम 5 और ले लेते हैं तो 10 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है, और 9 से वैसे 36 डिवाइड ही तो इसमें आगे करने की जरूरत है नहीं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल का हमने मान लिया 180 ठीक है। ये एलसीएम निकालने का इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो टोटल का आपके पास हो गया 180। ए प्लस बी है इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5। बी प्लस सी है वो इस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, देखिए 10 दिन में डिवाइड करेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 18, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9 × 2 = 18 यानी 20 ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 20। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसको निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप देखिए ए प्लस बी है वो इस काम को, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो टोटल तो ये ए प्लस बी प्लस सी है वो टोटल 20 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में, क्लियर है। और ए प्लस बी है वो एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए सी है, बाकी का बच्चा काम सी करेगा तो वो कितना यूनिट काम करेगा 15। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। अब यहाँ पे देख लीजिए सी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है, ये टोटल 18 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो बी का टाइम बता सकते हैं, तो टोटल वर्क है 180 और 3 से डिवाइड कर दीजिए इसकी एफिशिएंसी से तो कितना टाइम लगेगा इसको 60 डेज, क्लियर। दूसरा तरीका आप देखिए यहां से एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका निकालने का आप क्या कीजिए, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आएगा और यहां से 18 और 5 कितना आ गया 23 ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो कितनी है, यहाँ से 20 है, तो बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको 60 डेज। तो एफिशिएंसी निकालना आप किसी भी तरीके से निकालो, आपको एफिशिएंसी निकालना है, क्लियर है। तो दोनों तरीके से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका 60 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। साथ में कार्य करते हुए ए बी और सी है वो 12 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, यदि वे अकेले काम करते हैं तो ए और बी क्रमशः 55 डेज और 66 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। बताइए कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, क्लियर है आपसे ये पूछा है। देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए है वो इस काम को 55 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी है वो इस काम को 66 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और आपसे पूछा है कि सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क मान लीजिए यहां से, तो टोटल वर्क मानेंगे, तो टोटल वर्क क्या मानेंगे इनका एलसीएम। अब मैंने बताया एलसीएम निकालने के लिए सीधा तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 66, तो 66 को तो लिख दीजिए। अब देखिए कि 66 का मल्टीपल है वो इन दोनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए, तो अगर 55 से डिवाइड करना है इस संख्या को तो यहाँ से 55 से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 11 तो छुपा हुआ है, यहाँ से 11 × 6 लिख सकते हैं, तो 11 तो है लेकिन 5 से और गुना कर दे तो 55 बन जाएगा वो ठीक है, और 55 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 5 की जरूरत है। यहाँ पे 12 से डिवाइड करना है, देखिए 12 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 6 तो है, 11 × 6 इसे हम क्या लिख सकते हैं 11 × 6, तो 6 तो हमारे पास है, 12 से डिवाइड करना है तो अगर हम इस 2 से डिवाइड 2 से और गुना कर दे तो ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो 12 से भी डिवाइड हो गया, 55 से भी डिवाइड हो गया, 66 से वैसे डिवाइड ठीक है। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया 66 × 5 × 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 660, क्लियर है। तो यहाँ से बताइए कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर 660 टोटल वर्क है वो इसे 12 दिनों में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा वो, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड करेंगे देखिए कितना जाएगा, यहाँ पे 6 × 2 है तो 55,
एक एफिशिएंसी निकालनी है, 55 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ 11 इंटू 5 था, यहाँ पे 6 बच जाएगा यानी 12। और बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 66 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया इसका, तो बी की एफिशिएंसी 10 आ गई, ए की एफिशिएंसी 12 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 55। क्लियर, हमें निकालना है सी का, तो सी की एफिशिएंसी बताइए, सी की एफिशिएंसी निकालना है तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 12, बी की है 10, तो बताइए टोटल कितना है, टोटल तो ये ए प्लस बी प्लस सी है वो टोटल 55 यूनिट का काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर 22 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सी, तो 22 बैठा दीजिए 55 में से, तो कितना आ गया 33। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है 33, तो सी की एफिशिएंसी 33 है, तो टोटल वह कितना है 660, और इसे 33 यूनिट से, 33 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है, इसको टाइम कितना लगेगा 30, तो ये इसका आंसर चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आपको एलसीएम मेथड लगाना है, सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम मेथड, ठीक है। अगर आप बेसिक से करोगे तो 1/12 करना पड़ेगा, एक दिन का काम करेगा, और फिर इसमें से घटाना पड़ेगा एक दिन में 1/55 माइनस 1/66, और इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब ये किसकी एफिशिएंसी आएगी, सी की। फिर से आपको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, और ज्यादा कैलकुलेटिंग हो रहा है, तो आपका टाइम कंज्यूम करेगा और आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में आपको इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप एलसीएम मेथड आप लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका है टाइम एंड वर्क, क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको ये चीजें, तो किस तरीके से आपको टाइम एंड वर्क को हैंडल करना है इन क्वेश्चन को। देखिए ए बी और सी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, वो इस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सी इस काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और आपसे पूछा क्या है कि ए प्लस बी इस टोटल काम का 50%, ठीक है, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे रख दिया। तो देखिए 50% काम बोला है और ये काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहां से टोटल वर्क मानेंगे, तो टोटल वर्क क्या जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनका मल्टीपल, तो देखिए 36 है, 36 खुद ही इसका एलसीएम है, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इनमें से डिवाइड कर दीजिए तो 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, और सी है वो एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट का काम कर रहा है, तो मुझे बताइए सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो बाकी का बचा काम कौन करेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, टोटल कितना है 4 यूनिट है, सी 1 यूनिट का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी 3 यूनिट काम करेगा, क्लियर है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब इसने बोला है कि जो टोटल काम है उसका 50% काम को अगर हमें करवाना है तो वो ए प्लस बी है वो कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क तो हमारे पास कितना है 36 है, इसका 50% बोला है, इसका 50% कितना हो गया, यानी इसका आधा काम करना है, यानी 18 यूनिट का, 18 यूनिट काम करना है, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 3 यूनिट की, तो बताइए कितना टाइम लग जाएगा, 6 टच, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसी क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक से करना है, ठीक है, तो बेसिक से करेंगे तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 यूनिट काम करेगा, और सी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1/36, तो इसमें से 1/36 घटा दीजिए, तो ये किसका आ जाएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो यहाँ से 36 माइनस 36 एलसीएम लेंगे, तो 9 + 36 माइनस 2, तो यहाँ से 3/36 यानी 1/12, ठीक है, तो यहाँ से 1/12 यानी टोटल वर्क को कितना, टोटल वर्क को वो 12 दिन में कंप्लीट करेगा, और आधे इसने बोला है 50% काम को, तो 50% काम को कितना लग जाएगा उसको, 6 दिन, तो 6 दिन लग जाएंगे उस काम को, ठीक है। तो आपको बेसिक से इस तरीके से भी आप कर सकते, क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ए प्लस बी और सी है वो किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए बी और सी इसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, ए प्लस सी है वो इसी काम को 4.5 दिन में, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरीके से पॉइंट में दे रखा हो आप इसको क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये कितना है 4.5 ही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9/2, ठीक है, 9/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से बी प्लस सी है वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में कंप्लीट करता है,
और आपसे पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का रखने का एक ही है कि यहाँ पे अगर आपको पॉइंट में दे रखा है तो आपको फ्रैक्शन में रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम टोटल वर्क मानेंगे, टोटल वर्क मानेंगे तो किस तरीके से मानेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम किसका लेंगे? देखिए जब भी आपके पास यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो, अगर तीनों ही फ्रैक्शन में होते तो हमें एलसीएम जो लेना है वो हमेशा न्यूमरेटर यानी अंश में जो संख्या है उसका लेना है। यानी यहाँ पे देखिए चार का, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, अंश में क्या है, नौ, तो इसका लेंगे, और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है 4, 9 और 12, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 12 का मल्टीपल देख लीजिए तो कितना जाएगा, 36। ठीक है, 12 का मल्टीपल देखना है जो 9 और 4 से डिवाइड हो रहा हो, तो 36 है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए टोटल कितने हैं, 36, तो 36 यूनिट का वर्क है आपके पास, तो इस तरीके समझ लीजिए टोटल कितने हैं आपके पास, 36 मटके हैं, और ए प्लस बी प्लस सी है वो 4 दिन में फोड़ रहा है, तो एक दिन में कितने फोड़ेगा वो, एक दिन में कितने फोड़ेगा, 9 यूनिट का काम कर देगा वो। ठीक है, 9 मटके फोड़ देगा, 9/2 से डिवाइड करेंगे, 36 को 9 से 9/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी 8 मटके फोड़ेंगे, और बी प्लस सी है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 मिनट का काम करेंगे। क्लियर है? आपको सी का निकालना है तो देखिए यहाँ से सी का निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं अपन, कोई सा भी ले लीजिए, ए प्लस सी लिया यहाँ से या बी प्लस सी ले लीजिए, बी प्लस सी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट का, सॉरी 3 यूनिट का काम कर रहे हैं, डी प्लस सी है वो 3 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो बाकी का बचा काम कौन करेगा, ए काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, टोटल कितना है, 9, 9 में से 3 घटा दीजिए 6, तो 6 यूनिट आ गई, इसकी 6 एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 6 आ गई। यहां से ए की एफिशिएंसी अगर 6 है, हमें 6 सी की निकालनी है, तो सी की कितनी आ जाएगी, टोटल 8 है, इसमें से ए की एफिशिएंसी 6 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, तो सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है 36, और इसकी 1 यूनिट एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो कितने दिन लग जाएंगे उसको, 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जितने भी डिफरेंट टाइप के इक्वेशन बन सकते थे वो सभी हमने देख लिए हैं, तो इससे आगे के जितने भी टाइप हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, और इनके पीडीएफ हैं, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।